जहाँ एक ओर कल से पूरे प्रदेश में हो रही बारिश के चलते प्रदेश में काफी ठंड का माहौल है, तो वही चित्रगिरी ऋषिकेश में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और समाज सेवी सुरेंद्र सिंह नेगी के बीच में काफी तनातनी यहाँ पर हुई, मारपीट तक बात आ गई थी। आज हमारे साथ समाज सेवी सुरेंद्र सिंह नेगी मौजूद है, आइए जानते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला। सुनिए आखिर क्या था पूरा मामला। सबसे पहले तो मैं तमाम आपके दर्शकों को, चैनल को और जितने भी मीडिया के बंधु है और समाज है, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग जो है हमारे साथ खड़े हुए। कल का मामला क्या हुआ इसकी तो हमें भी जो है मतलब ना तो कोई कल्पना थी, ये ना हमने सोचा और या इस प्रकार कैसे हो गया इसमें भी हमें जो है कहते हुए मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें, लेकिन हुआ है, जो चीज़ें हुई है सामने दिख रही है सबको। और इसमें जो है अब जैसे अब आरोप प्रत्यारोप की बात है, वो कह रहे हैं कि भाई आपने जो है शुरुआत करी, हम कह रहे हैं उन्होंने करी, अब जनता इसका निर्णय ले कि भाई किसने क्या करा। अब ऐसा है कि जाम में हम फंस गए थे और हमने देखा भाई बगल में जो है अगर अग्रवाल जी की गाड़ी है, तो मैं अपने मित्र से बोलना मैं कहा जी अग्रवाल जी की गाड़ी आ गई ऐसे करके, तो उनकी गाड़ी उन्होंने कहा भाई नीचे वो कह रहा उन्हें क्या कह रहा, तो हमने कहा जी मंत्री जी आपको कुछ नहीं कह रहे हम, ठीक है हम अपनी बात चल रही। तो फिर उन्होंने जो है उसमें थोड़ा आवेश में आ गए, क्या हुआ भगवान जाने, उसके बाद फिर नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद जो उनके जो PR कौशल विद्वान है उन्होंने आके सीधा माँ बहन की गाली देते हुए पढ़वाना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे मंत्री जी भी मार रहे हैं, तो वो तो विजुअल बहुत सारे मैंने देखे अभी सुबह से जब से आया हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मंत्री जी तो मुझे जो है कहीं से कहीं तक मारते मारते जहाँ तक भी आखिर वो है स्टेज वहाँ तक ले जा रहे हैं, तो ये चीज़ें सब दिख रही है उसमें। तो अब ऐसा है कि हमने जो है अपनी कार्रवाई करने के लिए जो है कानून में विश्वास रखते हुए जो है अपनी FIR दर्ज करने दे दी है, और जैसा भी आगे विवेचना में आएगा तो हम जो है अपना स्टैंड लेंगे इस प्रकार से। आपका कहना है कि आपने मंत्री जी से आपकी बहस हुई या मारपीट हुई तो आपने खुद नहीं देखा कि मंत्री जी आपको मार रहे हैं, लेकिन मंत्री जी का आरोप है कि आपको आपके द्वारा उनका जेब फाड़ा गया है, जो उनके पैसे थे जेब में कुछ कागजात थे वो गुम हो गए हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए सारी बातें निराधार हैं, इसमें कोई आधार नहीं है। अगर मेरे को उनका कुछ पैसा छीनना होता या कुछ करना होता तो भाई वही मिल गया मेरे को, भाई एक मंत्री को क्यों छीनेंगे हम? अगर छीनना होता तो हम गली कूचे में अंधेरे में इंतजार करते किसी व्यक्ति का जिसकी जो है कोई सुनवाई ना हो कहीं से कहीं तक। अब एक मंत्री पे हाथ डालना मैं नहीं समझता कि एक सामान्य आदमी का एक मतलब दृष्टिकोण हो सकता है या पहले से एक भी प्लानिंग हो सकती है। मैं जो घटनाएं हुई आप देख रहे हैं तमाम कि भाई हम तो डिफेंसिव मोड में रहे, उसमें अपने को ही बचा रहे हैं, जब पाँच पाँच छः छः लोग हमें मार रहे हैं तो उसमें बचाने का तो अपने को भाई मेरा अधिकार है ही, और बाकी उन्हीं के लोगों के द्वारा उनके कपड़े फाड़े गए ये हो सकता है, या उनको बाद में उन्हें कपड़े फाड़ दिए कोई स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कई लोग जो है विजुअल बना रहे थे, तो विजुअल में कहीं ना कहीं भाई क्षति उनको है, मेरे को कोई किस प्रकार की क्षति है, हम तो ना एक तीन में ना तेरह में। ये तो काफी संगीन धाराओं में उनके जो गनर है उनके द्वारा आपके आपके ऊपर मुकदमा कायम किया गया है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए वो स्क्रिप्टेड है, सारा लिखा हुआ जो है, तमाम चीजें दिख रही है लोगों को, और गनर ने कहा है तो अब बाकी विवेचना में आएगा, तो विवेचना में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना कि भाई सरकार एक तरफा देखेगी, एक तरफा देखेगी तो फिर जो है हमारे न्यायालय है, न्यायालय नहीं है तो फिर समाज है, हम समाज के पास जाएंगे, फिर न्याय नहीं होगा हमारे साथ, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। ब्रिटेन के द्वारा भी तहरीर दी गई है, क्या कुछ खुलासा आपने तहरीर में किया है, क्या मुकदमा कायम हुआ है? तहरीर में मैंने जो है पूर्ण रूप से जो घटना घटित हुई सारी की सारी घटना उसमें पूरी खोल करके डाल रखी है, और उस घटना के आधार पर अब पुलिस कौन कौन सी धाराएं जोड़ती है, जो छूट जाएगी कानूनी प्रक्रिया में जो कमी रह जाएगी, हमारे तमाम साथी वकील हैं और जितने भी एक समाज सेवी तौर पर जो वकालत कर रहे हैं वो लोग भी मेरे से संपर्क करा है, अन्य अन्य माध्यमों से घर पे भी आए थे कुछ लोग, तो उन्होंने कहा भाई पूरा उन्होंने विश्वास दिला रखा कि अरे सुरेंद्र भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके साथ जो है अन्याय नहीं होगा, कहीं कोई कमी रह जाएगी तो कह रहे हम सब साथ। तो आप संघ से भी बिलोंग करते हैं, RSS से बिलोंग हैं, तो क्या समर्थन मिल रहा है संघ आपको? देखिए अब संघ का समर्थन या उसमें उसके ऊपर हम कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन जो संघ में हमारे लोग हैं भाई, संघ क्या है, एक समाज है पहले, सबसे पहले तो अब संघ या किसी अन्य राजनीतिक दलों से होना तो एक अपने अलग अपनी जगह अलग बात है, लेकिन पहले लोग समाज है, तो समाज से मुझे अपूर्व मतलब समर्थन मिल रहा है, साथ मिल रहा है, सब मेरी पीड़ा में खड़े हैं, मेरे परिवार के साथ मुझे पता लगा भाई रात को 2:30 बजे 3 बजे तक लोग जो है यहाँ थाने के अंदर बैठे थे, और भी तमाम चीज़ें मतलब पूरे घटनाक्रम में आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे होंगे आप जैसे भी है, तो सबका समर्थन है, सहयोग है, ऐसा कुछ नहीं है, और संघ का बिल्कुल पर्टिकुलर एक बयान नहीं जारी हो सकता, अगर आप लोग उनसे पूछेंगे तो अपना स्टैंड लेंगे कि भाई मैं संघ का मैं कहीं अब तो क्या पता मंत्री जी उनके अन्य लोग जो ये कहने लगे संघ का भैरू भी आए, तो भाई वो संघ वाले बताएंगे ना, फिर आप अगर मीडिया उनके पास पहुंचता है संघ वालों के पास तो वो बताएंगे कि हमारा कार्यकर्ता है अथवा नहीं, मैं वो कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जिस कार्य को मुझे दे रखा है मैं उस कार्य को जिम्मेदार से निभा रहा कि नहीं निभा रहा समाज के बीच में, तो ये तमाम चीज़ें जो है आगे आप लोग जानकारी ले सकते हैं उन लोगों से। तो आप सूबे के मुख्यमंत्री से क्या मांग कर रहे हैं?
मुख्यमंत्री जी से जैसे मुझे जानकारी मिली, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि भाई उन्होंने कहा है निष्पक्ष जांच होगी, इसमें कमेटी बिठाई जाएगी, अन्य जो भी वादे उन्होंने करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई जो है जो उन्होंने कहा उनकी कथनियों करने में जो है कोई ज़्यादा अंतर रहेगा नहीं, है कि नहीं, और विश्वास रखते हैं भाई, क्योंकि मंत्री तो वही है हमारे मुख्यमंत्री, प्रथम मुखिया है, अब सरकार उन लोगों ने चलानी है, किस प्रकार चलाते वो तो उनका खुद का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से हमारे सांसद सिंह जी मौजूद थे, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है स्क्रिप्ट बनाई गई है उनके खिलाफ, कहीं ना कहीं उनको फंसाया जा रहा है, जबकि उनका ये भी कहना है कि उन्होंने भी यहाँ तक खुद नहीं देखा कि मंत्री उनको मार रहे हैं।